किसान के लिए, मेरे देशवासियों के लिए, ये धरती हमारी मां है। भारत माता की जय बोलते ही हमारे भीतर ऊर्जा का संचार होता है। वंदे मातरम बोलते ही इस धरती मां के लिए खप जाने की प्रेरणा मिलती है। एक दीर्घकालीन इतिहास हमारे सामने आता है। लेकिन क्या कभी हमने इस धरती मां के स्वास्थ्य की चिंता की है? प्राकृतिक खेती, प्रकृति तरफ प्रयाण, कुदरते कृषि संस्कृति में एक संकलित श्रृंखला अने इकोसिस्टम नी रचना करी छे। खेतीना तमाम तबक्काओं में प्रकृति साथेनु संयोजन तेमज रासायनिक खातरो अने जंतुनाशक दवाओ पाछळ करवामां आवता खर्चमांथी मुक्ति एटले प्राकृतिक खेती। आवो आपणे सौ प्राकृतिक खेती अपनावी प्रकृति तरफ प्रयाण करिए। रासायनिक खातरो अने जंतुनाशक दवाओनो खर्च शून्य, खूब ओछा पाणीनी जरूरियात, खेडूतोने कोई वस्तु बहारथी लेवानी जरूर नहीं, खेती खर्च नहीवत। प्राकृतिक खेतीमां जमीनमां पुष्कळ प्रमाणमां अळसिया आवे छे, ते जमीनने छिद्राळू करे छे। प्राकृतिक खेत पैदाश रासायनिक अवशेषो मुक्त होवाथी बजारमां सारा भाव मळी रहे, पर्यावरणनी जाळवणी अने संवर्धन थाय, ओछो खर्च, वधु उत्पादन, योग्य किंमत मळता खेडूतोनी आवकमां वधारो थाय। ખેડૂતો ગાય પાળતા થશે જેથી ગાયનું પાલન પોષણ થશે, લોકોના આરોગ્યમાં સુધારો થશે, ખેડૂતોને કોઈ વસ્તુ બહારથી લેવી ના પડે, આમ ખર્ચ વગરની ખેતી થઈ શકે। પ્રાકૃતિક ખેતીના મુખ્ય ચાર સિદ્ધાંતો: બીજામૃત, બીજ સંસ્કાર દ્વારા બીજનું સુરક્ષા કવચ, આચ્છાદન, વધારે હ્યુમસ આપે વધારે ફળદ્રુપતા, જીવામૃત, ગાયના ગોબરના ઉપયોગથી જીવાણુઓનું જતન, વાપસા, છોડને પાણીની નહીં પણ ભેજની જરૂર, હિમાસ્ત્ર, અગ્નિઅસ્ત્ર, બ્રહ્માસ્ત્ર, દશપર્ણી અર્ક દ્વારા રોગ અને જીવાતનું પણ આસાનીથી નિયંત્રણ કરી શકાય છે। જિસ પ્રકાર સે કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર કા ઉપયોગ કર રહે હૈ, પેસ્ટિસાઇડ્સ કા ઉપયોગ કર રહે હૈ, હમ હમારી ઇસ ધરતી માં કો તબાહ કર રહે હૈ। इस मां के संतान के रूप में, एक किसान के रूप में, मुझे मेरी धरती मां को तबाह करने का हक नहीं है। खेडूतना आंगणे एक देशी गाय राखीए अने तेना गौमूत्र साथे शेठे पाळे थती वनस्पतिनो उपयोग खेती मां करिए। चालो आपणे सौ प्राकृतिक खेती करिए अने ग्राम उत्थान थकी राष्ट्रनुं निर्माण करिए। पारदर्शक, संवेदनशील, निर्णायक, प्रगतिशील गुजरात सरकार।